थे कि दिल्ली ले जाएंगे घुमाने के लिए, बम्बई ले जाएंगे, आप कब ले चलिएगा, ले चलिए ना जल्द। जब तुम्हारी इच्छा है तो जहाँ घूमने का इच्छा है वहाँ मैं ले चलूंगा। हाँ स्वामी जी, क्योंकि हमारे पास पैसा का कोई कमी नहीं है, दौलत का कोई कमी नहीं है, कहाँ तुम्हारी इच्छा है कहो, वहाँ मैं ले चलता हूँ। देखिए स्वामी जी, मेरी दिल में लालसा लगी है कि मैं दिल्ली जाऊंगी और थोड़ा सैर करूंगी और बम्बई भी जाऊंगी, जल्द ले चलिए ना। क्या दिल्ली जाना चाहती है? हाँ। तो ठीक है, मैं इसी जगह दरभंगा स्टेशन में गाड़ी पकड़ूंगा और फौरन दिल्ली चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो सामान बहुत है। हाँ, मैं सेठ आदमी, इतना सामान लेकर मैं स्टेशन में नहीं जा सकता हूँ। कोई यहाँ कुल्ली होगा तो कुल्ली कर लूंगा, इसके बाद में मैं स्टेशन जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, जल्द कीजिए, आप कुल्ली कीजिए, जल्द कीजिए स्वामी जी। अरे भाई, कोई कुल्ली है रे, कोई कुल्ली है यहाँ? भाई कुल्ली है, क्या बात है, तू ही कुल्ली है? हाँ, मैं यहाँ का कुल्ली हूँ। देखो गाड़ी का टाइम हो गया है, हमें गाड़ी पकड़ना है। ए लास्ट गाड़ी है, यहाँ गाड़ी का हड़ताल है, यहाँ से स्टेशन आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ कोई साधन नहीं है। ए साथ में आपको कौन है? हमारी पत्नी है। आपका पत्नी है? देखिए ये बहुत खतरनाक जगह है, आप अच्छा किए हैं जो कुल्ली को खोज लिए हैं, नहीं तो हो सकता कोई लफड़ा लग जाएगा, मुश्किल होगा। क्या बात है, कहिए। ये सामान ले जाना है, चलिए हम तुरंत पहुंचा देंगे स्टेशन। क्या तुम पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, लाइए सामान। कितना पैसा लोगे? आपको मर्जी जो होगा वही दे दीजिएगा। वाह भाई, तू तो बहुत ईमानदार लग रहे हो। अच्छा, लाइए सामान, रखो ये सब लो। हाँ देर न कीजिए, ये बहुत लफड़ा जगह है, चलिए बढ़िया आगे चलो जी। ठीक है चलिए। देखिए भाई साहब, अभी अभी इसको पास में ये बहुत सुंदर घर वाली है, अगर ये हाथ लग जाए तो बड़ी भाग की बात है, बड़ी VIP है। अच्छा हम देखते हैं कैसे वो पड़ता है। अरे भाई क्या तू पकड़े हो, चलो ना, देर हो रही है, चलो जल चलो। अरे बाप रे बाप, ए भाई सेठ जी, वो सामान धराइए भाई, धराइए। क्या हुआ भाई? अरे धराइए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या परमानेंट हो जाएगा, धराइए। क्या हुआ? लेके धरा दीजिए, धरा दीजिए। अरे बाप रे बाप, देखिए बहुत ठंड लग रहा है, मालूम होता है या लकवा का अंश आ गया। अरे भाई कोई कपड़ा का इंतजाम कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, आप यहाँ रह जाइएगा, अभी गुंडा लग जाएगा, आपको पत्नी को उठा कर ले जाएगा। भाई कपड़ा कोई लाइए। नहीं स्वामी जी, देख सही कह रहे हैं, ये बेचारा बहुत गरीब है, समझ गए। अरे बाप रे, दीजिए उनको, एकदम बिफर आ गया भाई, जल्दी कपड़ा। कैसी बात करती हो तू, कोई कपड़ा है तो अपना कपड़ा का कोई, अपना कपड़ा का कोई कमी नहीं है। देखिए स्वामी जी, अपना चलिएगा ना तो वहाँ बम्बई भी खरीद कर पहन सकते। सुनो जी, सुन लो पहले मेरी बात सुनो, क्योंकि हम विशेष कपड़ा नहीं लाया हूँ, सोचे हैं कि पैसा है मेरे पास, मैं उधर जाकर कपड़ा ले लूंगा, हमारे पास यही जो मैं लगाया हुआ हूँ वही कपड़ा है मेरे पास। अरे भाई अगर आप कपड़ा नहीं इंतजाम कीजिएगा तो हम मर जाएंगे, आप यहाँ रहिएगा, बाद में कुछ होगा, मेरा नहीं कहना, क्या करूँ? स्वामी जी आप ही बताइए, आप इस समय कपड़ा को देखिएगा, मुझे देखिएगा, दे दीजिए ना कपड़ा कुल्ली को। क्या ये कपड़ा दे दें? हाँ दे दीजिए। रुक जाओ भाई, मैं दे रहा हूँ कपड़ा, कीजिए। अभी गाड़ी का लास्ट गाड़ी है, गाड़ी छूटेगी फिर कल सुबह में गाड़ी। रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ, खोलो जी जल्दी, जल्द खोलो। अरे भाई नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, बहुत मुश्किल होगी। ये गाड़ी की बात, फिर गाड़ी है नहीं भाई साहब, इसको पत्नी बहुत सुंदरी है, अगर ये हाथ लग जाए तो वाह भाई कमाल। अच्छा तो कंपल लगाए है, माना बजता है कि नहीं मैं? अरे भाई लो, लो भाई लो, रखो अभी तुरंत पहुंचा देंगे, आप चिंता न कीजिए सेठ जी, हमको लिए बहुत नजदीक है स्टेशन, जल्द करो जल्द करो, देर हो रही, गाड़ी छूट जाएगी, आप चिंता न कीजिए। हाँ उठाइए सामान, कोई बात नहीं, उधर कपड़ा ले लेंगे, स्टेशन के पास बहुत बिकता है। अरे बाप रे बाप,
रे ये पैर में भाई बहुत ठंडी लग रहा है। अरे पैर कोई काम नहीं कर रहा है भाई, फुटा दुख रहा है पैर के लिए, कोई इंतजाम कीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जो पहने हुए ये भी पेंट दे दीजिए, नहीं तो मर जाएगा। हर हमेश तू क्या, मैं सेठ होकर के कैसे ऐसे जाऊंगा रोड में। स्वामी जी आप चलिए मार्केट में खरीद लीजिएगा, लेकिन उनको दे दीजिए, नहीं तो अभी वो मर जाएगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा। बात सही है, क्योंकि मेरे सामान पहुंचाना है वहाँ। अरे भाई जल्दी कीजिए, तुरंत दे देंगे जब हमको गर्मी आ जाएगा, और दे देंगे आपको कपड़ा। लो भाई रखो, लो जल्द ले चलो सामान, जल्द ले चलो, बहुत देर हो गई। कैसे बेकूफ मिल गया हमें, बहुत कुल्ली देखा लेकिन ऐसा कुल्ली मैं कभी नहीं देखा हूँ। अरे भाई आप चिंता ना कीजिए, अभी तुरंत आधा घंटा में आपको स्टेशन पहुंचा देंगे, आप बॉम्बे चला जाइएगा दिल्ली होते ही। चलो चलो सामान उठाओ, पहले उठाओ, बहुत देर हो गया। अरे भाई ले कोई कोई टोपी है इसमें लगाइए, तो थोड़ा देर के लिए भाई लगाइए, इसमें इसको का ठंडी लग रहा है भाई, लगाइए कोई टोपी है तो। देखिए स्वामी जी ए टोपी मांग रहा है क्योंकि इसको ठंडी लग रहा है, जल्दी कीजिए टोपी दे दीजिए, नहीं तो सर इसको नहीं तो हम पार हो जाएंगे। अरे पहले सामान उठाओ, टोपी के बच्चे सामान उठाओ भाई, लगाओ यहाँ कान, इसको करके ठंडी मारता है तुरंत तुरंत तुम्हें बीमारी पैदा। चलो उठाओ सामान उठाओ, नहीं लाएगा टोपी। ठीक है दे दीजिए अपना सामान, ठीक है जाऊंगा, लीजिए लीजिए। एक डेग नहीं चल पाता है, उठाइए सामान, उठाइए ना भाई, लो रखो, चलिए चलो, बहुत नजदीक स्टेशन है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, धड़ाइए सामान सेठ जी। अरे पैर देखो, पैर में कांट चुभ गया, कैसे मैं चलूंगा, है कोई चप्पल का इंतजाम कीजिए, नहीं मैं चल नहीं पाऊंगा, है चप्पल आइए भाई। अरे भाई हाँ हम कहाँ से चप्पल लावे, नहीं लाइएगा चप्पल तो हम चलते हैं। देखिए सुनिए आप अपना जो पैर में पहने हुए हैं वही चप्पल दे दीजिए उनको। अरे कुमल पैर है, बिन चप्पल के तो मैं नहीं चल सकता हूँ, सेठ आदमी हूँ। चलिए आप स्टेशन के पास खरीद लीजिएगा, उनको दे दीजिए। अच्छा खैर ठीक है, क्या बात, मैं तुम्हारी बात मान गया, क्योंकि हमको तो यह सामान को स्टेशन में पहुँचाना है। हाँ। लो लो रखो रखो चप्पल पहरो। कितना टाइम हो गया, ओहो घड़ी तो मैं घड़ी भूल गए। ए भाई सुनिए एक बात, एक मीटर सुनिए, एक मीटर, मीटर नहीं मिनट कहो। ओ एक मिनट सुनो, सुनिए आप एक घड़ी हमको हाथ में बांध दीजिए, टाइम देखते रहेंगे, देखते देखते तुरंत पहुंचा देंगे, एक मिनट का फेल नहीं होगा। लाइए खैर दे देता हूँ घड़ी। ठीक है घड़ी भी दे दीजिए, बस हो गया आप तुरंत पहुंच जाइएगा। देखो वहाँ जाने की बात सब सामान हमें मिल जाना चाहिए। अरे राम राम, सामान लेकर क्या करेंगे, चलिए चलो उठाओ सामान उठाओ, अभी पहुंचाते हैं। ये जो है इसको पास में कितना दिमाग है और क्या नॉलेज है आप खूब जानती है मैडम जी, अभी अभी देखिए सब कुछ मांग लिया है तो हमको ये दे दिया है ना। हाँ हो सकता है कल आपको कोई मांगेगा तो दे सकता है, इसलिए हमारे साथ रहो या कोई कमी नहीं रहेगा हम बहुत। अरे ये देखती है, चलो मेरा घर पर बड़े बड़े मकान है और हर चीज कोई चीज का कमी नहीं है। क्या आपके घर पे कोई चीज कमी नहीं है, तू हमारे बन जाओ, इसके बाद में सब काम तमाम फिट हो जाएगा। ठीक है आपको जैसे इच्छा हो। हाँ गुड गुड। उठा सामान, सामान उठाओ, देखो अभी अभी टाइम हो गया, ये लास्ट गाड़ी है, सामान उठा।
हमको स्टेशन जाना है। देखो अभी बहुत कम टाइम बच गया, देखो सामान उठाओ नहीं तो अभी सुन लो, हम सेठ है तू कुल्ली है, सामान उठाओ। मैं कुल्ली हूँ नहीं तो मैं थाना में यहाँ से फोन कर दूँ। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, हमको गाड़ी छूटेगा बाप रे। यो दरगोजा जी, दरगोजा जी, बाप रे बाप। चल उठा उठा सामान, उठा देखो उठा सामान। दरोगा जी, बाप रे बाप, डाका पड़ गेल। मुंह बंद करो, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, मुंह बंद करो। तू कुल्ली हो करके और हमें सारा सामान ले लिया, हमको पत्नी। बंद करो, चिल्लाओ नहीं। ओ दरोगा बाबू, ओ दरोगा बाबू, आइए आइए दरोगा जी, ओ दरोगा बाबू, ओ आइए। डाका पड़ गया, बाप रे बाप, बाप रे बाप। अरे बाप रे, क्या हुआ है? सरकार, हम सेठ हैं। अच्छा, हमको पत्नी कही कि देखिए हमको ले चलिए दिल्ली घुमाने के लिए। हाँ। हम कहा कि भाई हमारे पास पैसा का कोई कमी नहीं है, चलो तुम्हारी जहां मर्जी है, जहां इच्छा है, चलो हम घुमा ले आते हैं। अच्छा, लिख ले हम सुकुमार आदमी, ये सामान सब एक कुल्ली किए, एक कुल्ली करके जब थोड़े दिन सामान लेकर गया तो कहता है भाई हमको बहुत ठंड लग रहा है, हमारे पास यही एक कुर्ता था, इसे निकाल कर दे दिया। तब कहता है पैर में बहुत ठंड लग गया तो हम पैजामा दे दिए। इसके बाद में थोड़े दूर बढ़ा, कहता है कान में ठंडी लग गया, इसको टोपी दे दिए। थोड़े दूर और आगे बढ़ा, कहता है कि पैर में ठंडी लग गया, चप्पल दीजिए, चप्पल भी दे दिए। लास्ट में कहता है कि घड़ी दीजिए, टाइम देखेंगे आपको तुरंत पहुंचा देंगे। घड़ी दे दिए, घड़ी भी ले लिया, सारा सामान ले लिया हमको पत्नी के लेकर, यानी सारा सामान वो ले लिया। हाँ, हमको बनते बाप रे बाप, कहिए उनको छोड़ने के लिए। सुनो, तुम साइड में खड़े हो जाओ, दुहाई सरकार के, तुम साइड में खड़े हो जाओ। हमारा घर वाली के नहीं कही, वो ना करता है उनसे भी। बाप रे, साइड में खड़े रहो, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या बात है भाई साहब? सर आप ही देखिए कुल्ली जैसा कौन लगता है, अब देखिए। कुल्ली जैसा तो यही लग रहा है। सत बात वही है। हाँ, देखिए घर से निकले हम, अब को दिल्ली होते बॉम्बे जाना है, रास्ते में गाड़ी नहीं मिली, इसके बाद कुल्ली कर लिए। रास्ते में कुल्ली आकर सामान नहीं उठाता है, कैसे गाड़ी पकड़ेंगे? देखिए बहुत कम टाइम बच गया। क्यों रे? ए लाल है सरकार, इनको इनको थोड़ा कोरी फुरता हूं। मुंह बंद कर, ज्यादा चिल्लाओ नहीं, नहीं तो अभी दरोगा जी का सामने में तुमको क्या होगा। इनको कहिए हमको पत्नी के देह में नहीं भिरने के लिए। क्या ये तुम्हारी पत्नी है? जी हाँ सरकार, हम झूठ नहीं बोलते, हम सेठ हैं। साइड हो जाओ, आए इधर आओ। देखो जो मैं पूछूंगा सच सच बताना। ठीक है, कहिए सर, आप क्या कहना चाहते कहिए। आए तुम भी साइड हो जाओ, साइड हो। देखो सच सच बतलाना, इन दोनों में तुम्हारा पति कौन है?
देखिए सर वही है, वही है। हाँ क्यों रे बाप रे, झूठ बोलते हो। चलो सामान उठा। अभी देखिए सर बहुत कम टाइम है, कैसे पहुंचेगा स्टेशन उठा सामान। एकदम सही बात है, चलो सामान उठा। सरकार समझ गए, शहर में ऐसा ही बदमाश सब रहता है। उठा सामान। चलिए अब पिया देखी धरे लुकपार हे छोट छोट गुनमा, पिया देखी धरे लुकपार हे छोट छोट गुनमा, यार देखी करेलू सिंगार हे चटकार गुनमा, यार देखी करेलू सिंगार हे। अरे पियाबा के खाए खातिर सतुआ या चरवा, पियाबा के खाए खातिर, पियाबा के खाए खातिर सतुआ या चरवा। अरे यार खातिर, अरे यार खातिर जिले भी तैयार हे चटकार गुनमा, पिया देखी करे। पियाबा के सुते खातिर भेजली दुआरवा, भेजली दुआरवा हो, भेजली पियाबा के सुते खातिर हो। अरे पियाबा के सुते खातिर भेजली दुआरवा, भेजली दुआरवा हो, भेजली दु यार खातिर, यार खातिर से जरंगदार हे चटकार गुनमा।